जब आप समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पैदल चढ़ रहे होते हैं तो आपके शरीर की क्रियाएं सामान्य नहीं रह जाती। शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं हो पाता। वायु दाब घटने के कारण ब्लड प्रेशर असामान्य हो जाता है और कदम दर कदम आपका शरीर अपनी संपूर्ण ऊर्जा की खपत कर रहा होता है। ऐसी विकट परिस्थितियों को चुनौती देकर मैं आपके लिए लाया हूँ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर मौजूद हल्की ढाल वाले विशाल एकड़ में फैले हुए मुलायम घास के मैदानों, जिन्हें हम बुग्यालों का नाम देते हैं। अनेकों प्रजातियों की हिमालयी वनस्पति और रंग बिरंगे फूलों भरे उन इलाकों की तस्वीरें जो आज भी मनुष्य की पहुंच से कोसों कोस दूर वीरान और सुनसान हैं। कैंपेस्ट्रेस, इसे हम ये जहरीला भी हो सकता है, जहरीला भी हो सकता है, बहुत जहरीला हो सकता है। ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है, ये एक प्रकार का कवक है, बिल्कुल कड़क हो रखा है अभी पाला से। ये देखिए ये आइस है, ये आइस जमा हुआ। और ये देख रहे हैं जिसके मांसाल वृत्त, इसके क्षेत्र देख रहे हैं आपको, तो ये एक प्रकार का कवक है जो यहाँ पर उगा हुआ है। और इसको संपूल भाषा में यहाँ पहुँचने पर आपका सामना होता है उन हिमालयी वनस्पतियों से जो सभी जीव जंतुओं के लिए प्राणदायक होती हैं, और उन जंगल के जीव जंतुओं से जिन्हें हम आज केवल और केवल किताबों पर या टेलीविज़न पर ही देख सकते हैं। इनमें से कुछ जीव कस्तूरी मृग, जड़ मोनाल, हिमालयी लेपर्ड, थेर, वरुण आदि।
जब प्रकृति के शांत वातावरण में विचरण कर रहे इन शानदार जीवों को मैं देखता हूं तो मन उल्लासित हो उठता है, मगर अगले ही पल मन में इन जीवों के सिमरते आशियानों और मानव द्वारा इनके इलाकों में हो रहे हस्तक्षेप से एक चिंता सी उभर आती है। निश्चित रूप से ये पूरा परिदृश्य शानदार है। ऐसे ही साहस भरे रोमांचक परिदृश्यों के साथ इस बार हम आपको ले आए हैं उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में स्थित गंगा व यमुना नदियों के उद्गम स्थल एवं विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के मध्य भाग में स्थित मानव की पहुंच से दूर वीरान इलाके में, जहां पर मनुष्यों की आवाजाही लगभग शून्य है। इस इलाके में पहुंचने के लिए हमने चुना है यमुनोत्री धाम का अंतिम पड़ाव खरसाली गांव। हम खरसाली गांव से हिमालय की 6,500 मीटर ऊंची चोटी बंदरपूंछ की ओर चल दिए। पांच घंटों की लगातार तीव्र चढ़ाई
और एक घनघोर जंगल को पार कर आखिरकार हम भुग्यालो में प्रवेश करते हैं। और इस जगह का नाम है सुनापड़ा। सुनापड़ा से आगे बुग्यालों के बीच एक और तीव्र चढ़ाई फिर से शुरू होती है। विश्राम के लिए स्थानीय वन देवियों की एक शानदार जगह, जहां धूप व कुछ धाने बुकने की पूजा की जाती है। इस जगह का नाम झंडी है। झंडी पर कुछ देर रुक आगे का सफर शुरू होता है। एक किलोमीटर चलते हैं वो एक्सरसाइज इक्वल है, यानी कि आपको कम समय में आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमको यहाँ पर आके और सर ये यहाँ पर एक देखिए सर, ये बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाला हमें दिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत मुलायम पत्तियां हैं जैसे कपास होती। अब हम अपने आप को हिमालय के शिखर पर देखते हैं और मनमोह लेने वाली सुगंधित हिमालयी वनस्पति व फूलों के बीच डिगडार माला बुग्याल होते हुए हम रात्रि विश्राम के लिए ओडकाभ्यू नामक स्थान पर अपना बेस कैंप लगाते हैं। ओडकाभ्यू पहुँचते ही सबसे पहले हम अपने टेंट लगा देते हैं और आसपास में ईंधन के लिए लकड़ी ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर ईंधन के रूप में ठेलू नामक वृक्ष, जो कि 3 या 4 फीट हाइट का होता है, इसकी हरी लकड़ी का इस्तेमाल ही एकमात्र ईंधन का साधन होता है।
पूरी रात काफी भयानक रही, तेज आंधी बारिश। वह रात्रि में जो हमारा बेस कैंप था उसके आसपास हिमलेपट के आ जाने से नींद पूरी नहीं हो सकी। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आगे का सफर शुरू होता है। दिन भर इन विशाल घास के मैदानों के सफर के बाद हम पहुंचते हैं एक बहुत ही शानदार बुग्याल में, जो बहुत ही विशाल और वनस्पति विविधता लिए हुए, जिसका नाम है शंगासु बुग्याल। श्री भी आते हुए गाना गा, वाह ओए बस में रोमांटिक मूड में ओए शंगासु बुग्याल, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,200 मीटर के आसपास है। इससे आगे एक और बुग्याल जिसका नाम है भ्यू, जो कि बंदर पूंछ की तलहटी पर हनुमान गंगा के उद्गम स्थान और गंगोत्री यमुनोत्री का एकदम मध्य भाग है। बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हिमालय के इन बहुत ही ऊंचाई वाले बुग्यालों में हमारी टीम काफ़ी थक चुकी थी, और देखते ही देखते ये 5 दिनों का ट्रैक अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया। हम अब वापस खरसाली पहुंच चुके थे और अपने घर रवाना होने को तैयार थे। इन शानदार जगहों की यादें हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहन में रहेगी, हमें पृथ्वी के ऐसे अनोखे नज़ारों की याद दिलाती रहेगी और एक नए सफर के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी।